यीशु ने आजाद किया है। प्रभु की सामर्थ प्रोग्राम में आज हम आपका स्वागत करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। प्रभु के लोगों, आज मैं आपसे पवित्र आत्मा के विषय में बात करना मांगूंगा। बहुत से लोग हैं जो इस बात को नहीं जानते कि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपके पास सहायक के रूप में, एक मददगार के रूप में भेजा है। और हम लोग अपनी क्रिश्चियन लाइफ में ऐसे ही स्ट्रगल करते रहते हैं, कामों में स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहे हैं, शादी में स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड वी आर सिंपली स्ट्रगलिंग नॉट नोइंग दैट वी हैव अ हेल्प। और मैं आज प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से इस बात की कि ये मददगार आज आपके घर में आ जाए, आपके जीवन में आ जाए। जरा सोच के देखिए, अगर यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बिना कुछ काम नहीं किया तो आप और मैं भी पवित्र आत्मा के बिना कोई काम नहीं कर पाएंगे। एवरीवेयर Wherever Jesus was, Holy Spirit was. सोच के देखिए, उसके जन्म से लेके उसकी मृत्यु तक पवित्र आत्मा उसके साथ साथ रहा। अगर यीशु मसीह को उसके जन्म से लेके उसकी मृत्यु तक और उसकी मृत्यु के बाद भी पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत थी, तो आज मुझे और आपको भी पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है। एंड आई एम गोइंग टू शो यू फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। आज मैं पूरी मती की पुस्तक में से जगह जगह आपको लेके जाऊंगा। एंड आई एम गोइंग टू डू इट रियल क्विक, आई विल ट्राई टू डू इट इन लेस देन 15 टू 10 मिनट्स। पूरी मती की पुस्तक में आपको लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरीके से पवित्र आत्मा शुरुआत से लेके आखिर तक प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ बना रहा। आइए मेरे साथ चले मती नबी की पुस्तक में, मती की पुस्तक में उसके पहले अध्याय में, उसकी 18वीं आयत में, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 एंड आई एम गोइंग टू चैप्टर 1 एंड वर्स 18 एंड इट्स जस्ट सो अमेजिंग। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 18, इट्स अमेजिंग। इट जस्ट गोज लाइक दिस। नाउ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट वॉज ऑन दिस वाइज, व्हेन एज हिज मदर मेरी वॉज स्पाउस टू जोसेफ बिफोर दे केम टूगेदर शी वॉज फाउंड विद द चाइल्ड ऑफ द होली गोस्ट। I mean, it is so amazing. बाइबल बता रही है कि वो पवित्र आत्मा के वसीले से पैदा हुआ, यानी कि यीशु मसीह पैदा पवित्र आत्मा की वजह से हुआ। He was the child of the Holy Ghost. Can you imagine that God said that Jesus is the child of the Holy Ghost? इसका मतलब पवित्र आत्मा की सामर्थ से यीशु मसीह का जन्म हुआ। Now, verse 20. जब यूसुफ यीशु मसीह को अपना बच्चा ग्रहण करके अपने घर में अपनी पत्नी को लेके नहीं आना मांग रहा था, उस समय परमेश्वर ने फरिश्ता भेजा और यूसुफ को बोला, तुम डरो मत, जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। यानी कि जब यूसुफ कन्विंस नहीं है, जब यूसुफ अग्री नहीं कर रहा है, तो परमेश्वर का आत्मा जाके कन्विंस करवा रहा है, फरिश्ता जाके कन्विंस करवा रहा है। जब यीशु मसीह पैदा हो रहा है तो पवित्र आत्मा के वसीले से पैदा हो रहा है। उसके बाप को जब फरिश्ता जाके बता रहा है तो फरिश्ता जाके बता रहा है ये पवित्र आत्मा की ओर से हुआ है। सो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द बर्थ, जैसे यीशु मसीह का जन्म होता है, आप सोच लीजिए कि पवित्र आत्मा की हुजूरी उसके जन्म से ही थी। नाउ आई वांट टू टेक यू टू द थर्ड चैप्टर, मैं आपको तीसरे अध्याय में लेके जाना मांगूंगा और उसकी 11वीं आयत में लेके जाना मांगूंगा। चैप्टर 3 एंड वर्स 11, लुक हियर, I indeed baptized you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Now, Jesus was born of the Holy Spirit. Now, John the Baptist is saying, I am baptizing you with water, but the one who is going to come, he is going to baptize you with the fire, with the Holy Ghost. यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मगर जो मेरे बाद आने वाला है अर्थात यीशु मसीह, वो तुम्हें पवित्र आत्मा से अर्थात अग्नि से बपतिस्मा देगा। नाउ जीसस इज बोर्न आउट ऑफ होली स्पिरिट, नॉट ओनली ही इज बोर्न आउट ऑफ होली स्पिरिट, बट नाउ ही इज सेइंग दैट यू गुड बी बैप्टाइज्ड बाय द होली स्पिरिट। नाउ जीसस इज बोर्न आउट ऑफ द होली स्पिरिट, हिज फादर इज कन्विंस्ड बाय द एंजल्स दैट ही इज कैरीड, ही इज बोर्न बाय द होली स्पिरिट, ही इज अ चाइल्ड ऑफ द होली गोस्ट, एंड नाउ ही इज सेइंग दैट जीसस विल be baptizing you with the Holy Ghost. Now verse 16, it says like this of the third chapter, teesre adhyay ki 16vi ayat, and Jesus when he was baptized went up straightway out of the water, and lo the heavens were open unto him, and he saw the Spirit of God descending, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. Now you see Jesus, now John the Baptist said he will baptize you with the Holy Spirit, and now right after the baptism, when Jesus has fulfilled the work that God has given to him, he fulfilled the righteousness, that the Holy Spirit is descending upon him like a dove. Now Jesus is born of the Holy Spirit. Jesus will baptize you with the Holy Spirit. In fact, when he took baptism, the Holy Spirit came on him. You see the connection of the Holy Spirit with Jesus all the time. Yeshu Masih ke saath aap dekhiye pavitra atma ka kitna ghanisht sambandh hai. Yeshu Masih paida pavitra atma ke vasile se hota hai. Jab Yusuf usko uski patni ko jo Yeshu Masih ko garbh dharan karke
इंतजार कर रही होती कि यूसुफ अपने घर में उसको लेके जाएगा। जब यूसुफ उसे ग्रहण नहीं करता है तो फरिश्ता आके बताता है वो पवित्र आत्मा का बच्चा है। फिर उसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है कि भैया मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मगर जो मेरे बाद आने वाला है अर्थात यीशु मसीह, वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और उसके बाद फिर जब आप आगे पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि परमेश्वर का वचन यहां पर इस बात को बता रहा है कि जैसे ही यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं वैसे पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ जाता है और कबूतर की मानिंद आता है। यू सी कनेक्शन कितना जबरदस्त है यहां पर, ही इज सो मच कनेक्टेड। नाउ वो चैप्टर 4, आइए चैप्टर 4 में देखिए। देन वाज जीसस लेड अप ऑफ द स्पिरिट इन द विल्डरनेस। जैसी वो पवित्र आत्मा से, जैसी वो बपतिस्मा लेके बाहर निकलता है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर का आत्मा उसे बयाबान में लेके गया। ही टुक हिम टू द विल्डरनेस। Now he is born of the Holy Spirit. His father is convinced that he is the child of the Holy Ghost. He will baptize you with the Holy Ghost. Then it is saying that John the Baptist said that he is going to baptize you with the Holy Ghost. Then it says that he was led by the Spirit into the wilderness. Everywhere the Holy Spirit is there, leading Jesus, guiding Jesus, giving birth to Jesus. And I'm going to just take you further. Now chapter 10. Now chapter 10 and verse 19. मत्ती की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, बट व्हेन दे डिलीवर यू अप टेक नो थॉट हाउ और व्हाट यी शैल स्पीक, फॉर इट शैल बी गिवन यू इन द सेम आवर व्हाट यी शैल स्पीक, फॉर इट इज नॉट यी दैट स्पीक बट द स्पिरिट ऑफ योर फादर व्हिच स्पीकेथ इन यू। नाउ ही इज सेइंग कि अब जब तुम प्रचार करने के लिए जाओगे तुम डरना नहीं, क्योंकि जब तुम प्रचार करने के लिए जाओगे बहुत से लोग तुम्हें गलत गलत बातें कहेंगे, बहुत से लोग बुरी बुरी तुम्हें बातें कहेंगे, मगर जो तुम्हें उन लोग से कहना होगा वो उसी समय पवित्र आत्मा तुम्हें बता देगा। Now this is about us. We thought that the Holy Spirit was only given to Jesus. Jesus was only born of the Holy Spirit. Yeshu Masih ko khali baptisma diya gaya tha. Pavitra Atma khali uske paas aaya tha. Pavitra Atma se khali wo born hua tha. Nahi. Pavitra Atma Yeshu Masih ke paas tha. Pavitra Atma uske saath saath tha. Pavitra Atma usko bayaban mein le gaya. Pavitra Atma ke dwara usne shaitan ko haraya aur usi Pavitra Atma se usne hum log ko bhara hai aur hum log ko wo Pavitra Atma diya gaya hai aur isliye diya gaya hai ki hum usi Yeshu Masih ka prachar karte rahe. Jab aap Yeshu Masih ka prachar karne ke liye jayenge to kai baar aapke samne dikkatein aayengi, तकलीफें आएंगी, परेशानी आएंगी, मगर मेरे भाई मेरी बहन आपको ये वाला काम करना है जो परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। तुम डरना नहीं, पवित्र आत्मा तुम्हें वहीं पर ही आके सब चीजें बता देगा। That means Holy Spirit gives you birth. जब आप परमेश्वर में जन्म लेते हैं, जब आप नए जन्मे बच्चे की तरह आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो वह पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। जब आप पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लेते हैं तो शैतान कई बार आपकी परीक्षा करता है, मगर ध्यान रखिए कि परीक्षा के समय पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है। ना ही सिर्फ पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है, बाइबल बता रही है कि जब लोगों आपके सामने खड़े होते हैं, आपके विरोध में खड़े होते हैं, आपकी गंदी गंदी बातें बोल रहे होते हैं, आपको समझ में भी नहीं आता मैं इनको कैसे जवाब दूं, तो बाइबल बता रही है कि पवित्र आत्मा तुमको बताता है कि तुम्हें उनको कैसे जवाब देना चाहिए। आई एम अमेज्ड, such a valuable thing that is happening into the kingdom of God, such a valuable companion has been given to us in the kingdom of God, and we don't even walk with him, we don't even know about him. Zara soch ke dekhiye parmeshwar ne aapke liye kitna acha saathi diya hai। यीशु मसीह उसके द्वारा जन्म ले रहा है, यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहा है तो वो वहां पर है, जब यीशु मसीह बयाबान में शैतान से लड़ने के लिए जा रहा है तो वो उसको गाइड कर रहा है। होल स्पिरिट हैज बीन इन एवरीवेयर और परमेश्वर बोला यही पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। इजंट इट अमेजिंग, क्या ये अच्छी बात नहीं है कि पवित्र आत्मा हर जगह हमारे साथ रहता है, हमें इस पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। आई वांट टू टेक यू फर्दर, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 11, मत्ती उसका 11वां अध्याय, एंड आई वांट टू रीड फॉर यू वर्स 18, 18वीं आयत। इट सेज लाइक दिस, बिहोल्ड माय सर्वेंट हुम आई हैव चोजन, माय बिलोवेड इन हुम माय सोल इज वेल प्लीज्ड, आई विल पुट माय स्पिरिट अपॉन हिम एंड ही शैल शू द जजमेंट टू द जेंटाइल्स। दैट मींस इट इज सेइंग कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह जज करेगा। थिंक अबाउट दिस, नाउ जीसस इज बॉर्न ऑफ द स्पिरिट, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेता है, ही इज लेड बाय द स्पिरिट एंड डिफीट्स द डेविल, वो पवित्र आत्मा के द्वारा जंगल में लेके जाया जाता है और वहां वो शैतान को ध्वस्त करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रचार करता है, ही प्रीचेस बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। देन द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट ही विल जज बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। सो ही इज बॉर्न ऑफ द होली स्पिरिट, ही इज लेड बाय द होली स्पिरिट, ही डिफीट्स द डेविल बाय द होली स्पिरिट, ही विल बैप्टाइज यू विद द होली स्पिरिट, the Holy Spirit will tell you what to preach, the Holy Spirit will judge you, will teach you how to judge the things,
And now the word of God is so powerful. It is saying that the same spirit was on Jesus and the same spirit is on you. Now I want to take you further. Verse 28. I just love this portion of the scripture. It says, but if I cast out devil by the spirit of God, then the kingdom of God has come. यीशु मसीह कह रहा है 28वीं आयत में कि अगर मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा हूं तो परमेश्वर राज आ गया. इसका मतलब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है. आओ, इट इज सो ब्यूटीफुल, इट इज सो वंडरफुल. सो जीसस इज बॉर्न बाय द होली स्पिरिट. द फादर ऑफ जीसस वॉज कन्विंस्ड दैट ही इज द चाइल्ड ऑफ द होली स्पिरिट. Jesus was going to get baptized, and John the Baptist, before his baptism, was announcing that I am baptizing you with the water, but the one who is going to come after me, he'll baptize you with the fire. So Jesus is the baptizer, and when he is the baptizer, then he baptizes you with something. What is that? He baptizes you with the Holy Spirit. At his baptism, he was marked by the presence of the Holy Spirit. The Holy Ghost came upon him like a dove. Right after that, you understand that the Holy Spirit led him into the wilderness and he fought the devil and he overcome the devil. And then it says that the same Holy Spirit was upon him, and Bible says that he would judge everything by the Holy Spirit. And now the word of God says that he will cast out demons by the power of the Holy Spirit. I mean, it is fabulous. It is fantastic. Don't you want the Holy Spirit? I think that I and you need the same Holy Spirit that was with Jesus. And Jesus wants to give us the same Holy Spirit which was with him. He should be with us. This is the desire of Jesus. It is so amazing. I mean, I just love this thing. This teaching is so wonderful. Now, listen to this. What kind of a fellowship did the Holy Spirit had with Jesus? He is so intimate friend of Jesus that Jesus passed a comment that practically blew me off. Parmeshwar ka vachan itna zabardast tarike se pavitra atma ke vishay mein baat karta hai jaisa wo kisi aur baat ke vishay mein nahi karta hai. Yeshu Masih ka pavitra atma bahut ghanishth mitra hai, bahut ghanishth mitra hai. और यीशु मसीह एक ऐसी बात परमेश्वर के वचन में कहता है जो मैं पढ़ता हूं, जब मैंने उसको पढ़ा तो मैं बिल्कुल हिल गया. एंड आई जस्ट वांट टू रीड इट फॉर यू. मत्ती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और 31वीं आयत. आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू इन इंग्लिश एंड आई बिलीव दैट गॉड विल ब्लेस यू. आई विल ट्रांसलेट इट फॉर यू इन हिंदी. इट सेज लाइक दिस, वेयरफॉर आई से अनटू यू ऑल मैनर ऑफ सिन एंड ब्लास्फेमी शैल बी फॉरगिवन अनटू मैन, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. And then itself says like this, and whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. I mean, imagine the love that Jesus had for the Holy Spirit. And he said, you want to say anything to me, you say it, I will forgive you. But if you dare say anything against Holy Spirit, I will not forgive you here, and I will not forgive you there. The intimate relationship. Why? Jesus is born of the Holy Spirit. His father was convinced that he is the child of Holy Ghost. John the Baptist announced that he would baptize people with the Holy Ghost. He was led in the wilderness by the Holy Ghost. He defeated the devil by the Holy Ghost. He judged the people by the Holy Ghost. He gave the power to his people and made them powerful by the Holy Ghost. He gave us the promise, don't worry, when I have equipped you with the Holy Ghost, and when you go and preach, don't worry what you have to preach, because Holy Ghost will help you to preach. I mean, look at the intimate relationship. Then Bible says he cast out demon spirits by the power of the Holy Spirit. And then finally he is giving you and me a warning. Whatever you want to say against me, you say it. But dare you say anything against Holy Ghost, I will not forgive you. Friends, see the love that Jesus had for the Holy Ghost. And see the anger that he had when anybody speaks against Holy Ghost. I mean, I just loved it. When I read it, I was shocked. Yeshu Masih
उसका जन्म पवित्र आत्मा के वसीले से हुआ। यूसुफ जो उसका बाप था उसको फरिश्ते ने समझाया कि जो बच्चा आने वाला है वो पवित्र आत्मा के वसीले से। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा होने जा रहा था तो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं मगर जो आ रहा है वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो पवित्र आत्मा कबूतर की मानिंद उसके ऊपर उतरा। जब यीशु मसीह वहां से जंगल में गया तो पवित्र आत्मा उसको लेके गया और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उसने जंगल में शैतान की सारी शक्तियों को, सारी चैलेंजेस को खत्म कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया उसने वहां पर। वो शैतान के ऊपर फतेहमंद हुआ, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से लोगों का न्याय करता था, यहां तक कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला और फिर कहने लगा कि यही पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ साथ रहेगा, जहां कहीं जाओगे ये पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ साथ जाएगा, दिस होली गोस्ट विल गो विद यू, और जो कुछ तुम प्रचार करोगे तुम डरना नहीं, किसी के भी सामने तुम्हें खड़ा कर दिया जाए, यही पवित्र आत्मा तुम्हें बुद्धि देगा और शब्द देगा तुम्हें क्या कहना है। और फाइनली अब मती के 12वें अध्याय में और उसकी 31वीं और 32वीं आयत में कह रहा है, तुम्हें जो कुछ मेरे खिलाफ कहना है कह लो, मैं माफ कर दूंगा, इस दुनिया में माफ कर दूंगा, वहां पर भी माफ कर दूंगा, मगर अगर तुमने पवित्र आत्मा के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो ना मैं यहां माफ करूंगा ना मैं वहां माफ करूंगा। ही इज सो जेलस। आई मीन I just love these teachings about the Holy Ghost and this has revolutionized my whole church. And I pray that these teachings may just bless you too. Just bless you too. Now I want to tell you, Jesus cares for the Holy Spirit. And in the same way, Holy Spirit cares for Jesus. यीशु मसीह पवित्र आत्मा के विषय में जलन रखता है और उसे बहुत प्यार करता है, ठीक इसी तरीके से पवित्र आत्मा जहां कहीं पर भी मौका पाता है वहां यीशु मसीह को रिवील करता है या उजागर करता है। पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह से मिलाता है। एंड आई वांट टू शो यू फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड दैट हाउ होली स्पिरिट हैज रिवील्ड जीसस इवन टू आवर पैट्रियार्क्स। कम विथ मी टू द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 and verse 43 and 44. मेरे साथ आए मत्ती की पुस्तक उसके 22वें अध्याय में उसकी 43वीं आयत में और 44वीं आयत में 43 and 44th verse में यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। It says like this. He said unto them, How then doth David in spirit call him Lord, saying, The Lord said unto my Lord, Sit on my right hand till I make thine enemy thy footstool. Now it says, How doth David in spirit? That means when the Holy Spirit came upon David, David saw Jesus in the Spirit and said to Jesus, Lord. That means when Jesus was not even born, Holy Spirit showed him beforehand the picture of Jesus. And he said to Jesus, Lord. Come on, think of that. That even before the birth of Jesus, Holy Spirit translated David to the times like this and showed Jesus to him. Holy Spirit is the revealer. And even today, the same Holy Spirit will become the revealer of Jesus in your family. I want to tell you, my friend, we may not be able to last without the presence of the Holy Spirit for one moment. It is the Holy Spirit that helps Jesus to be revealed in our situation. Think about this. If Jesus was revealed to David even before his birth, how much more Holy Spirit will reveal Jesus to us after his birth? And especially when he sits on the right hand of the Lord and he prays for us. Whatever situation you may be going through today, आप किसी भी situation से क्यों ना होके जा रहे हो, आपका आज ऐसा आपको लग रहा है कि यीशु मसीह मेरी आंखों से ओझल हो गया है, आपको किसी बहुत special church जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप चर्च शायद ऑलरेडी जा रहे हैं, आपको कुछ स्पेशल फास्टिंग प्रेयर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद आप वो कर रहे हैं। चर्च जाना अच्छी बात है, यू मस्ट गो टू द चर्च, यू मस्ट हैव अ फास्टिंग प्रेयर मीटिंग, इट इज मस्ट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इफ यू आर गोइंग टू द चर्च एंड इफ यू आर टेकिंग द फास्टिंग्स द वे यू शुड बी टेकिंग, बट इंस्टेड इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स इफ स्टिल You do not see Jesus, then you must have Holy Spirit. I don't know whom I'm talking to at this moment, but you are that person, you know it. आप चर्च जाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं,
आप विश्वास करते हैं, उपवास कर रहे हैं, आप दहेकियां दे रहे हैं, यू गिविंग द 10%, यू आर सर्विंग इन द चर्च, बट स्टिल इट फील्स लाइक जीसस इज अवे फ्रॉम यू इन योर लाइफ इन एवरीथिंग दैट यू डू. माय फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू, व्हाट यू नीड इज नॉट अनदर चर्च, व्हाट यू नीड इज नॉट अनदर पास्टर, व्हाट यू नीड इज नॉट अनदर टीचिंग और स्ट्रैटेजी, व्हाट यू नीड इज द होली स्पिरिट. Because that Holy Spirit will reveal Jesus to you in your life. आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है. आप अगर चर्च जा रहे हैं, आप दसवांश दे रहे हैं, आप चर्च में जाके गाते हैं, मगर इन सब चीजों के बाद भी अगर आपके पास आज सवाल जवाब हैं कि यीशु मसीह कहाँ है, तो आज मैं आपको बताना मांगता हूं कि आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है, क्योंकि यही पवित्र आत्मा आपको यीशु मसीह से मुलाकात करवाएगा. आई वांट टू टेक यू टू वन लास्ट वर्स एंड देन आई एम गोइंग टू क्लोज. दिस इज मैथ्यू चैप्टर 28 एंड वर्स 19. दिस इज द कमांड ऑफ जीसस, गो ही देयरफॉर एंड टीच ऑल नेशन बैप्टाइजिंग देम इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली गोस्ट. He said, the same Holy Ghost that was with me, I've given it to you. Now it's your work. Go and tell people, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Jao, jake, mere naam se prachar karo. Aur pavitra atma ke naam se, pita ke naam se, putra ke naam se baptisma do. Holy Spirit everywhere. I'm going to pray for you right now. Agar aap is episode ko aap dekh rahe the, aap is program ko dekh rahe the, aur aapko aisa lag raha hai ki main aapse hi baat kar raha hu. Aap church ja rahe hain, sare kaamon ko kar rahe hain, मगर उसके बाद भी आपको ऐसा लग रहा है यीशु मसीह शायद है ही नहीं, तो आज ये एपिसोड आपके लिए था. आपको पवित्र आत्मा चाहिए जो आपको यीशु मसीह से मुलाकात करवा सके. लेट मी प्रे फॉर यू एंड आई प्रे दैट एज यू आर लिसनिंग टू दिस प्रोग्राम, मे होली स्पिरिट डिसेंड इन योर रूम. फादर, आई प्रे इन योर माइटी नेम. जीसस, आई प्रे इन योर माइटी एंड मैचलेस नेम. राइट नाउ यू आर द बैप्टाइजर ऑफ द होली गोस्ट. बैप्टाइज देम विद द होली स्पिरिट एंड आई प्रे लेट देम नो that you love them. I pray, Holy Spirit, fill their lives with your presence. Touch them, bless them, and heal them. Holy Spirit, I pray, enter their rooms now and reveal to them Jesus. In Jesus' name I pray. Amen. I just love talking to you. I just loved being with you. Thank you for watching this program. Mujhe aapke saath rehne mein bahut maza aaya. I especially just enjoyed the teaching of the Holy Ghost. I pray, may the Holy Spirit be in your house, lead you, keep you, and guide you. Just a few quick announcements, dear friends, and I'm just going to be going then. Just want to tell you, are you staying in Bangalore? If you're staying in Bangalore and you're looking for the church, I want to tell you, we worship every Sunday, every Tuesday, and every Thursday in building number 15th. In 18th cross, Kankanagar. Well, the address is on the screen. You can just watch that address right now. You can take it down. And I want you to be the part of Assembly of Believers Church. There is a revival in my church. And if you are hungry for the Holy Spirit, you must visit the church. And I believe that the same Holy Spirit that is working in Assembly of Believers Church will work in your life. Every Sunday, we worship at 10 o'clock in the morning and it is just amazing. Har Sunday ko 10 baje hum log ibadat karte hain, subah 10 baje, aur Parmeshwar ki huzuri puri kalisya mein zabardast reeti se rehti hai. Every Thursday we worship at 7 o'clock. Har Thursday ko hum 7 baje aradhana karte hain. Every Tuesday we have a Bible study at 8 o'clock. Har Tuesday ko 8 baje Bible studies rehti and they are awesome. I want you to be the part of it. Don't miss it. And I believe that as you watch this program, these programs will bless you. So, keep watching Power of God program. Stand with us and pray for us. I'm going to look forward to meet you again next week. God bless you.